फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्यूटी विद शिखा। गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। गाइस, आज की वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है बहुत ज्यादा खास, क्योंकि गाइस आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ फेशियल एट होम। यस, सो जो लोग बिल्कुल फेशियल करना नहीं जानते और उनको ये नहीं पता कि हमें घर पर कैसे फेशियल करना चाहिए, सो वही मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। और गाइस, जो इंग्रेडिएंट्स है वो भी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होने वाले हैं, यहाँ कोई भी फेशियल किट नहीं है। और जो फेशियल किट है वो होम इंग्रेडिएंट्स से बनाई गई फेशियल किट है, जो मैंने खुद पर्सनली बनाई है, और वही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी। फुल स्टेप है फेशियल के एंड फुल जो इन्फॉर्मेशन है फेशियल की, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और आज मैं आपको फेशियल करके भी दिखाने वाली हूँ उन सब इंग्रेडिएंट्स के साथ, जो फेशियल किट खुद से मैंने तैयार की है, वही मैं इंग्रेडिएंट्स के साथ आज फेशियल आपके सामने करने भी वाली हूँ। सो गाइज, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा खास इसलिए भी होने वाली है, अगर आप नहीं जानते कि इसी स्टेप में हमें फेशियल कैसे करना चाहिए और हमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनसे हमें फेशियल किट कैसे रेडी करनी चाहिए, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करने वाली हूँ। सो गाइज, मेरी वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखिए, जिससे कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे, क्योंकि गाइज अगर आप वीडियो एंड तक नहीं देखेंगे तो आपको कंफ्यूजन होगी कि मैंने कौन सी क्रीम या कौन सा जो स्क्रब है या जो भी स्टेप्स हैं फेशियल में वो कैसे किए हैं। तो वीडियो को स्किप ना करते हुए एंड तक देखिएगा। और गाइज, इस फेशियल के जो बेनिफिट्स होने वाले हैं वो भी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो गाइज, मैं आपको बता देती हूँ, ये फेशियल है जो एट होम, ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है और आप लोगों को पसंद भी आने वाला है। गाइज, जो इस फेशियल के बेनिफिट्स होने वाले हैं वो भी मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और गाइज, सिर्फ और सिर्फ 5 इंग्रेडिएंट्स जो होने वाले हैं इस फेशियल में, वो आपके जो फेस पर बिल्कुल नेचुरल ग्लो प्रोवाइड करने वाले हैं। और ये सारे बेनिफिट्स मैं आपको एंड में बताती हूँ, और इसके बेनिफिट्स जो है वो आपको जरूर आपके फेस पे देखने को मिलेंगे। सो मैंने जो खुद से रेडी की है फेशियल किट, वही मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। सो बहुत ज्यादा इजी स्टेप्स हैं, बहुत ज्यादा इजी वे है। और गाइस, ये वीडियो उन लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा खास होने वाली है जिन्हें घर पर फेशियल करना नहीं आता और जिन्हें ये नहीं पता होता कैसे इजी वे में हम अपने घर पर ही फेशियल कर सकते हैं। सो गाइस, ये वीडियो बहुत ज्यादा इजी स्टेप्स में होने वाली है, कोई तो गाइस ये डिफिकल्ट स्टेप्स में होने वाली है वीडियो, और ना ही ऐसे इंग्रेडिएंट्स है इसमें कि आपको मिलने ही नहीं वाले, बहुत ज्यादा नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, ज्यादा इजीली आपको आपके घर में मिल जाएंगे, ज्यादा आपको बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है, ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स आपके घर में ही अवेलेबल होते हैं। सो जल्दी से ज्यादा बात न करते हुए स्टार्ट करते हैं मेरी आज की वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइज, ये है वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जो आज के फेशियल में इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। सो मैंने यहाँ पर लिया है व्हीट फ्लावर, टर्मरिक, रॉ मिल्क, कर्ड एंड बीट रूट। सो गाइज, ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, इजीली अवेलेबल होते हैं हमारे पास। सो गाइज, ये कर्ड है, आपको पता है कि जो कर्ड होती है वो हमारी स्किन के लिए भी और हमारी हेल्थ के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट होती है। सो यहाँ मैंने कर्ड लिए हैं। नेक्स्ट, यहाँ मैंने व्हीट फ्लावर लिया है, जिसे हम गेहूं का आटा कहते हैं। गाइज, ये भी सबके घर में अवेलेबल होता ही है डेली यूज़ में। सो मैंने यहाँ व्हीट फ्लावर लिया है। नेक्स्ट, मैंने यहाँ टर्मरिक ली है, ये भी हमारे घर में इजीली अवेलेबल होती है। एंड गाइज, नेक्स्ट मैंने यहाँ लिया है रॉ मिल्क। गाइज, रॉ मिल्क मतलब कच्चा दूध होता है, आपने बॉयल जो मिल्क होता है वो यूज़ नहीं करना, आपने रॉ मिल्क लेना। लास्ट एंड जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस फेशियल में जो इंग्रेडिएंट्स होने वाला है गाइज, वो यही इंग्रेडिएंट्स है, ये है बीट रूट। बीट रूट का जो चुकंदर जिसे हम बोलते हैं गाइज, उसका जो रस था वो मैंने निकाल लिया है इसको ग्राइंड करके। सो आपने भी निकाल लेना है, यही आपकी स्किन पर नेचुरल आपको ग्लो प्रोवाइड कराएगा। आपको इन्हीं 5 इंग्रेडिएंट्स की नीड है, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं लेना। और गाइज, आज के फेशियल में 4 स्टेप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। फर्स्ट है क्लींजिंग, आप अपने फेस पे क्लींजिंग करेंगे। सेकंड स्टेप है एक्सफोलिएशन। थर्ड आपने करना है फेशियल मसाज। एंड गाइज, फोर्थ जो स्टेप होगा उसमें आपने अप्लाई करना है अपने फेस पे फेस मास्क। सो यही 4 स्टेप्स आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 1 बाय 1। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का फेशियल। गाइज, आपने एक स्मॉल बॉल में एक रॉ मिल्क ले लेना है, आपने बॉयल मिल्क नहीं लेना है, आपने रॉ मिल्क लेना है जिसे हम कच्चा दूध बोलते हैं। यही रॉ मिल्क आपका क्लींजिंग का काम करेगा, और आपने इसे ज़्यादा क्वांटिटी में बिल्कुल नहीं लेना है, अपनी क्वांटिटी के हिसाब से लेना है। सो गाइज, अब हम फर्स्ट क्लींजिंग करेंगे। मैंने यहाँ बेला के कॉटन पैड्स लिए हैं।
सो अब मैं इसको जो बॉल लिया था मैंने रॉ मिल्क अपनी क्वांटिटी के हिसाब से उसमें मैं डिप कर दूंगी और इसे अपने फेस पर अप्लाई करूंगी। एंड गाइज आपने अप्लाई इस तरह से करना है जिससे कि आपकी क्लींजिंग हो फेस की, जो डर्टीनेस है वो रिमूव हो आपके फेस पे। सो गाइज जैसा कि मैं कर रही हूँ आपने भी ऐसे ही कर लेना है। और गाइज जो रॉ मिल्क होते हैं वो हमारी स्किन से जो डर्टीनेस होती है, हमारे फेस पे गंदगी जमा होती है, उसको क्लीन करने में बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प करता है। सो आपने अपनी क्लींजिंग के लिए हमेशा जब आप अपना फेस क्लीन आउट करना चाहते हैं तो आप रॉ मिल्क का यूज़ कर सकते हैं और इसका कोई भी बैड इफ़ेक्ट आपकी स्किन पर नहीं हो और ये बिल्कुल भी इरीटेट इंग्रेडिएंट्स नहीं है। सो मैं 5 मिनट तक ऐसे अपने फेस पर इसको कॉटन पैड से अप्लाई करूँगी जिससे कि जो डर्टीनेस है वो क्लीन आउट हो जाएगी। सो आप मैं सर्कुलर मोशन में या अपने हैंड से भी मैं इसको 2 मिनट मसाज दूंगी जिससे कि वो सब रिमूव हो जाएगा जो मेरे फेस पे डर्टीनेस होगी। सो इसके बाद जो हम स्टेप करेंगे वो हमारे फेस पर असर करेंगे, इसलिए हमें क्लीनिंग करना अपना फेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब मैं इसको क्लीन कर लूँगी और मैंने यहाँ पर वार्म वाटर से अपना फेस वॉश कर लिया है, आपने भी सेम ऐसे ही कर लेना है। सेकंड स्टेप में मुझे यहाँ नीड है वीट फ्लावर की, अपनी क्वांटिटी के हिसाब से लेना है आपने। एंड मैंने यहाँ कर्ड लिया और बीट रूट का जो रस है वो मैंने यहाँ यूज़ किया है। सो मैं अपनी क्वांटिटी के हिसाब से वीट फ्लावर में जो गेहूँ का आटा होता है उसमें मैं अपनी क्वांटिटी के हिसाब से दही मिक्स करूँगी। मैंने यहाँ पर गेहूं का जो आटा लिया है वो 1 से 1.5 चम्मच लिया है और उसमें मैं 1 से 1.5 चम्मच ही दही मिक्स करूँगी और जो चुकंदर का रस है उसको भी मैं 1 से 1.5 चम्मच इसमें मिक्स करूँ। और जो पेस्ट होगा वो ज़्यादा थिन नहीं बनाना है, थिक टाइप बनाना है क्योंकि ये हमारा स्क्रब का काम करेगा। सो गाइज इन तीनों इन्ग्रीडियंट्स को मैं मिक्स कर लूँगी। एंड गाइज आप देख सकते हो ये इस तरह का रेडी होगा बन करके कुछ, और आप इसका कलर भी देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल सा कलर है और ये हमारा स्क्रब का काम करेगा फेस पे। सो इससे हम अपने फेस पे स्क्रब करेंगे। चलिए अपने फेस पे हम इसे करते हैं अप्लाई। गाइज अब आपने क्या करना है, जो हमने पेस्ट बनाया है उसको हम अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। आप देख सकते हो जो पेस्ट है वो बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं है, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है। सो जो टेक्सचर होगा वो आपको इसी तरह का रखना है। और गाइज मैं अब इसको अपने फेस पे अप्लाई करके मसाज करूँगी 15 मिनट, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। सो 15 मिनट्स में अपने फेस पे इसको अप्लाई करके आपको दिखा देती हूँ। सो आपने ऐसे सर्कुलर मोशन में एंड जो स्टेप मैं आपको इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ इजी स्टेप्स हैं, सो आपने भी ऐसे ही सेम कर लेना है। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता है तो आप तो सेम ही कर लीजिएगा। गाइज स्क्रबिंग से हमारे जो फेस पर डेड स्किन सेल्स होते हैं वो रिमूव होते हैं और हमारे जो ब्लैक हेड्स होते हैं, वाइट हेड्स होते हैं अब हमारे नोज़ एरिए की साइड टी जोन एरिए में, सो वो ये रिमूव करता है। सो स्क्रबिंग भी हमारे लिए इतनी ही इंपॉर्टेंट है जितने कि हमारे और स्टेप्स होते हैं क्लिनजिंग या फेशियल मसाज। सो हमें स्क्रबिंग इसलिए करनी चाहिए, इससे हमारे जो डेड स्किन सेल्स होते हैं वो रिमूव होते हैं, हमारे ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स जो होते हैं वो रिमूव होते हैं। सो आपने इस तरह जो मैं आपको स्टेप्स करके दिखा रही हूँ ऐसे आपने कर लेना है जिससे कि आपकी स्किन के जो नोज़ एरिया साइड होता है उसमें जो डेड स्किन सेल्स होते हैं वो रिमूव होंगे। और जो पेस्ट आपने फेस पे लगाया है अगर वो बहुत ज़्यादा ड्राई होने लगी तो आपने वार्म वाटर लेना है और उसको फिर अपने फेस पे अप्लाई करके मसाज कर लेनी है। एंड गाइस वार्म वाटर भी आपको ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना है, नॉर्मल ही क्वांटिटी में आपने रखना है। सो गाइस आप देख सकते हो जो स्टेप्स मैं आपको करके दिखा रही हूँ ये फेशियल के ही स्टेप्स हैं, बहुत इजी स्टेप्स हैं, आप अपने घर पर ईजीली कर सकते हैं। और गाइज जो फेशियल में सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है वो ये होती है कि आप कोई भी स्टेप करते हैं तो आपने उसे क्या करना है, डाउन से अप करना है, अप से डाउन नहीं करना है बिल्कुल। आपने कोई भी स्टेप जब आप करेंगे फेशियल में तो आपने क्या करना है, डाउन से अप की साइड जो आपका हैंड है वो मूव होना चाहिए, ना कि अप से डाउन की साइड। सो जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ आपने इसी तरह से करना है। और गाइज जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा लूज़ है तो आप इस स्टेप को ज़रूर कीजिएगा क्योंकि इससे आपकी स्किन फिट होगी और वो टाइट होगी। और आप कभी भी नीचे की साइड नहीं करिएगा क्योंकि इससे आपकी स्किन लूज़ हो सकती है। आपने स्क्रबिंग अपने फेस पे 15 मिनट्स करनी है और वार्म वाटर से फेस क्लीन कर लेना है आपने। थर्ड स्टेप में आपने दही लेनी है और चुकंदर का जो रस है वो लेना है।
यहाँ दही मैंने 1 से 1.5 चम्मच ली है और उसमें मैंने 1 चम्मच जूस डाला है जो चुकंदर का है। सो गाइज मैं इसको मिक्स कर लूँगी और आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी क्रीम बनी है। एंड गाइज ये क्रीम मैंने बनाई है मसाज के लिए, फेशियल मसाज होगी जिससे हमारी आप कलर भी देख सकते हैं। एंड गाइज इसको ज़्यादा थिन नहीं रखना, इसका टेक्स्चर एकदम क्रीम जैसा होना चाहिए। सो मैंने ये रेडी कर ली है। अब इस क्रीम से मैं अपने फेस पे फेशियल मसाज करूँगी। सो गाइज मैंने ये क्रीम ले ली है फेशियल मसाज के लिए और आप इसका टेक्सचर भी देख सकते हैं, बिल्कुल क्रीम जैसा टेक्सचर है इसका। और गाइज आप ज़रूर ये बात याद रखें कि जितनी दही थिक होगी उतनी ज़्यादा बेस्ट होगी, थिन नहीं होनी चाहिए। और आप उसका जो दही का पानी होता है उसको पहले ही निकाल लीजिएगा जिससे कि हम जब जूस मिलाएं तो वो ज़्यादा थिन ना हो, टेक्सचर बने वो क्रीम बेस्ड बने, वो वाटर बेस्ड ना हो जाए, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है। सो गाइज मैं अब अपने फेस पे कर रही हूँ इससे मसाज और इसको भी आपने 15 मिनट्स देने हैं अपने फेस पे। और फेशियल मसाज आपको बिल्कुल स्मूथ हैंड से करनी है, बिल्कुल अपने फेस पे इसको रब नहीं कर लेना है, आप स्मूथ हैंड से कीजिएगा, सर्कुलर मोशन में करिएगा। एंड जो आपको नॉर्मली दिखा रही हूँ आप वैसे अप्लाई कीजिएगा और आपने अपने स्मूथ हैंड रखने हैं अपने फेस पर, इसको हार्ड नहीं चलाना है अपनी हैंड्स को, बिल्कुल स्मूथली आपने 15 मिनट्स अपने फेस पे इससे मसाज कर लेनी है। और गाइज हम फेशियल मसाज इसलिए करते हैं अपने फेस पे क्योंकि फेशियल मसाज से हमारी जो स्किन होती है वो हमारी स्मूथ हो जाती है बहुत ज़्यादा और इससे हमारी स्किन ब्राइट भी हो जाती है। थर्ड स्टेप में हमारा जो फेशियल का वर्क होता है वो दिखना स्टार्ट भी हो जाता है। और गाइस फेशियल में हमें कोई भी जो स्टेप है वो स्किप नहीं करना चाहिए, हमारे 4 स्टेप्स हैं फेशियल के तो हमें 4 ही करने चाहिए। सो इसलिए मैंने आपको इजी वे में ये 4 स्टेप मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जिससे कि आप लोगों को बिल्कुल ईजी हो फेशियल करने में। सो गाइस आपने ऐसे स्मूथली मसाज कर लेनी है अपने फेस पे, फेशियल आपको डेली नहीं करना चाहिए और 15 डेज में भी आप स्किप कर सकते हैं लेकिन आप 1 मंथ में फेशियल ज़रूर किया करें, इससे आपकी स्किन हेल्थी रहे। मसाज करने से आपके आपके फेस पर जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो भी बहुत अच्छे से वर्क करता है। सो मसाज इसलिए इम्पॉर्टेंट है हमारे फेस के लिए और यही मसाज हमारी स्किन पर हमें ग्लो प्रोवाइड भी करती है। सो आपने ब्लड सर्कुलेशन के लिए तो ज़रूर अपने फेस पे मसाज करनी चाहिए। सो आपने इस तरह से मसाज कर लेनी है एंड फेशियल मसाज के बाद आपका आपकी स्किन ब्राइट दिखेगी, ग्लोइंग दिखेगी, फ्रेश दिखेगी। और ये जो वर्क है फेशियल मसाज ही करता है जिससे कि आपकी स्किन बिल्कुल फ्रेश भी दिखने लगती है। अगर आपके डल स्किन है तो आप इसे ज़रूर यूज़ करें, आप 1 मंथ में इसको यूज़ कर सकते हैं, डेली आप फेशियल नहीं कर सकते तो आप इसे 1 मंथ में 1 टाइम यूज़ ज़रूर कर सकते हैं, अपने घर पे फेशियल आराम से कर सकते हैं। 15 मिनट के बाद मुझे अपना फेस वॉश कर लेना है वार्म वाटर से, फेस वॉश को यूज़ नहीं करना है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सो गाइस इस स्टेप के लिए मुझे चाहिए व्हीट फ्लावर, बीट रूट जूस, टर्मरिक एंड रॉ मिल्क। सो गाइज जो ये 4 इंग्रेडिएंट्स हैं इसके साथ आपको एक पेस्ट बना लेना है जो हमारे फेस मास्क के लिए यूज़ किया जाएगा और इससे आपको ज़्यादा ना तो थिन बनाना है ना ही ज़्यादा थिक बनाना है। 1 से 1.5 चम्मच मैंने यहाँ व्हीट फ्लावर लिया है एंड 1 चम्मच ही गाइज मैं इसमें चुकंदर का रस ऐड करूँगी, 1 से 1.5 चम्मच मैं इसमें रॉ मिल्क जो कच्चा दूध है वो ऐड करूँगी और इसमें मैं 1/2 स्पून टर्मरिक ऐड करूँगी। 3 स्टेप फेशियल के हमारे फिनिश हो गए हैं, अब मैं 4th स्टेप आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जहाँ मैं अपने फेस पर अप्लाई करके दिखाने वाली हूँ आपको फेस मास्क। इसका जो टेक्सचर होगा वो आपने स्मूथ रखना है, तो आप देख सकते हो आपको इस तरह का टेक्सचर रखना है और ये रेडी हो गया है बिल्कुल हमारे फेस पर अप्लाई होने के लिए। सो चलिए अब इसको हम अपने फेस पर अप्लाई कर लेते हैं। सो गाइस फेस मास्क को भी आपको अपने फेस पर सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट्स देने हैं और आपने हमेशा जो फेस मास्क है वो हमेशा ऊपर की साइड लेकर के अपने मूव करके हैंड अप्लाई करना है और आप अपने फेस पे अप्लाई कर लीजिएगा। फेस मास्क तो मोस्टली सबको आता ही होगा लगाना और नहीं आता तो आप जैसा कि मैं दिखा रही हूँ आप वैसे अप्लाई कर लीजिएगा। फेस मास्क आपको स्मूथ हैंड से अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लेना है। एंड गाइज अगर आप अपने नेक एरिया में भी अप्लाई करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, बट मैं आप लोगों को सिर्फ फेस पर अप्लाई करके दिखा रही हूँ। सो गाइज मैं इसको अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लूँगी जैसा कि मैं कर रही हूँ आप देख सकते हैं। सो इसको मैं हेड एरिया में, अपने चिक एरिया में,
चिन एरिया में इसको मैं अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई कर लूँगी। एंड गाइज इसको मैं अपने फेस पर 15 मिनट्स के लिए रखने वाली हूँ। और गाइज जो स्टेप्स होते हैं वो आप 20 मिनट्स भी कर सकते हैं अपने फेस पर, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ आपको 15 मिनट्स अप्लाई करके दिखा रही हूँ, मेरे लिए इनफ है। सो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कर रही, 20 मिनट्स मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। सो 15 मिनट बहुत सही है टाइम होता है एक फेशियल मसाज के लिए या फेशियल पैक के लिए। सो मैं यहाँ 15 मिनट्स ही अपने फेस पर अप्लाई करूँगी। आप चाहें तो 20 मिनट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, बट 20 मिनट से ज़्यादा आपको फेस पैक नहीं अप्लाई करना चाहिए अपने फेस पर। तो यहाँ मैंने कर लिया है अपने पूरे फेस पर अच्छे से फेस मास्क अप्लाई। सो अब मैं आपको मिलती हूँ 15 मिनट्स के बाद। आप देख सकते हैं ये मेरे फेस पर हो गया है बिल्कुल अच्छी तरह से ड्राई। सो गाइज इसे आपने डायरेक्ट वॉश नहीं करना है वाटर से, आपने कुछ ड्रॉप्स लेने हैं अपने हैंड्स पे वाटर के और आपने इसे मसाज करके अपने फेस से इसको वॉश कर लेना है। सो कुछ टाइम तक आपने मसाज करनी है, लाइक 5 मिनट आपको सिर्फ और सिर्फ इसकी मसाज देनी है अपने फेस पर। और आपने वॉर्म वाटर से अपना फेस वॉश कर लेना है, कोई भी सोप यूज़ नहीं करना है। एंड गाइज आप देख सकते हैं मेरा फेस, आप इसका बेनिफिट है जो फेशियल का आप मेरी स्किन पर देख सकते हैं, कितनी ग्लोइंग हो गई है मेरी स्किन, कितनी फ्रेश हो गई है। सो आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। एंड गाइज फेस वॉश करने के बाद आपको टोनर ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। तो मैं यहाँ गुड वाइब्स का मलबरी टोनर ले रही हूँ, ग्लो टोनर है। सो ये मैं अप्लाई कर लूँगी अपने फेस पे और आप जो इसका बेनिफिट है फेशियल का आप मेरे फेस पर देख सकते हैं। सो गाइज आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए, ये फेशियल बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, ये आपको ज़रूर पसंद आएगा और आपकी स्किन पर अच्छा वर्क भी करेगा। इस फेशियल के जो बेनिफिट्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। गाइज एक तो आपको इरिटेशन नहीं होगी, ये होम इंग्रेडिएंट्स है। सो गाइज फर्स्ट की आपको इंग्रेडिएंट्स है इनसे आपको बिल्कुल भी इरिटेशन नहीं होने वाली है। एंड गाइज ये आपकी स्किन पर ग्लो प्रोवाइड करेंगे, नेचुरल ग्लो प्रोवाइड करने वाला है और नेचुरल ग्लो तो हम सबको ही चाहिए होता है। सो यस ये आपको नेचुरल ग्लो प्रोवाइड करने वाला है और बहुत ज्यादा इफेक्टिव है ये। आपकी स्किन ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, कोई सी भी स्किन टाइप है अगर आपकी, तो आप इसको इजीली अपने घर पे कर सकते हैं क्योंकि ये ऑल स्किन टाइप है। सो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी है, आपको बता देती हूँ ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होने वाला है आप लोगों के लिए। एंड गाइज मैं भी ऐसे ही इंग्रेडिएंट्स यूज करना पसंद करती हूँ जो नेचुरल हो। सो यस मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही इंग्रेडिएंट्स शेयर करती हूँ जो सिर्फ नेचुरल ग्लो प्रोवाइड करे और नेचुरल हो, जो हार्मफुल इफेक्ट ना दे आप लोगों की स्किन पे। सो ये जो फेशियल है आपकी स्किन पे कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं देने वाला। सो गाइज कैसी लगी मेरी आज की वीडियो, आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो। सो गाइज अगर मेरी वीडियो आज की आपके लिए रही हो हेल्पफुल और आपको आई हो पसंद, तो मेरी वीडियो को कीजिएगा लाइक शेयर, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिएगा ताकि मेरी डेली की अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहे। सो गाइज मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।